हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है तो आप देख रहे होंगे कि मैं इन दिनों CCNA सर्टिफिकेशन राउटिंग एंड स्विचिंग के वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। और ये 25वां नंबर का वीडियो है, 25वां टॉपिक का है या चैप्टर का है। और अगर आप ये कोर्स सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको अपडेटेड वीडियोस मिलते रहें। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, इस वीडियो में मैंने आज आप लोगों के साथ में कॉन्फ़िगरिंग सिस्को राउटर, सिस्को राउटर को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं वो सीखेंगे, जिसमें से 5 चीज़ें मेन होंगी। इसके मोड क्या होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन मोड क्या होता है, CLI मोड से हम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, इंटरफेस को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, IP एड्रेस कैसे लगाते हैं, और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है राउटर का, इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन, उनको वेरीफाई कैसे करते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। आई होप कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा, और इन्फॉर्मेटिव हुआ होगा तो आपको पता है चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है। तो ये 5 ऑब्जेक्टिव हैं। जब हम ये वीडियो पूरा देख लेंगे, मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा गाइस, अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो देखते वक्त अपना एक नोटपैड लेके बैठें, किताब एक बुक लेके बैठें, नोटबुक, जिस पर आप नोट करें आपने क्या सीखा है। इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सिर्फ वीडियो देखने से हम कुछ नहीं सीख सकते, हमको पॉइंट आउट करना पड़ता है, पकड़ना पड़ता है इम्पॉर्टेंट चीज़ें। तो उसको लिख के रखें कि आप क्या सीख रहे हैं। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से। तो सबसे पहले अगर हम देखें, यहाँ पे टॉपिक है सिस्को राउटर कॉन्फ़िगरेशन मोड। तो मैंने पहले भी बताया मेरे पिछले वीडियो में, जब हम स्विच कॉन्फ़िगर करना सीख रहे थे कि बेसिकली तीन मोड होते हैं कॉन्फ़िगरेशन के। पहला आप कहें तो एक होता है यूज़र मोड, दूसरा होता है प्रिविलेज मोड, और एक होता है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। तो यूज़र मोड में कुछ नहीं होता ज़्यादा, आप कुछ नहीं कर सकते। प्रिविलेज मोड में थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा काम होता है वो कॉन्फ़िगरेशन ग्लोबल मोड पे होता है, ठीक है, आप हमेशा याद रखिएगा। अब इसके बाद में इसमें देखिए, ये फिर से है यूज़र मोड हो गया एक, प्रिविलेज मोड हो गया, और एक हो गया ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। तो तीनों की अलग अलग पहचान होती है। जब हम यूज़र मोड में होते हैं तो यहाँ पे एक ग्रेटर देन का सिंबल होता है, जब हम प्रिविलेज मोड में होते हैं तो यह हैश का सिंबल होता है, और जब हमको ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाना तो यहाँ पे आपको कॉन्फ़िग और फिर हैश लिखा हुआ देता है। तो सारा का सारा जितने भी हम कमांड रन करते हैं तो वो हमको ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन पे रन करना होता है। अब देखिए, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन बहुत पावरफुल है। इसमें क्या क्या होता है, एक कॉन्फ़िगरेशन मोड है, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, तो इसमें इंटरफेस कॉन्फ़िगर करते हैं हम, सब इंटरफेस कॉन्फ़िगर करते हैं, कंट्रोलर कॉन्फ़िगर करते हैं, लाइन कंट्रोल कॉन्फ़िगर करते हैं, राउटर कॉन्फ़िगर करते हैं, उन सब के प्रॉम्प्ट यहाँ पे है, सिंटेक्स यहाँ पे है। मतलब कैसे आएगा, जब हम अगर इंटरफेस कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो हम इंटरफेस पे जाते हैं, इंटरफेस करके आएगा यहाँ पे, सब इंटरफेस कॉन्फ़िगर करते हैं तो सब इंटरफेस, कंट्रोलर करते हैं तो कंट्रोलर आएगा, लाइन तो लाइन, राउटर तो राउटर। तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ पे, ये सपोज़ मेरे पास यहाँ राउटर है, ठीक है, हम एक राउटर लेते हैं, यहाँ से मैंने एक राउटर ले लिया। अब इसको मैं क्या करता हूँ, मैं इसको एक कंसोल लेके कनेक्ट करता हूँ, मैं एक लैपटॉप पे मैं इसका कंसोल ले लेता हूँ, और इसको हम कंसोल केबल से कनेक्ट करते हैं, और मैं इसको ओपन करता हूँ यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाके टर्मिनल पे। ओके, तो आप यहाँ देखेंगे, अगर मैं अभी नो कर देता हूँ, इसके बाद में ये मेरा यूज़र मोड यहाँ पे इनेबल कर दिया, इसके बाद में फिर मैं आ गया प्रिविलेज मोड में, यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिया, अब ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे चला गया हूँ, ठीक है। अभी आप देखे तो यहाँ सिंटेक्स चेंज हो गया, यहाँ से ये चेंज हो गया, यहाँ से ये चेंज हो गया, यहाँ से ये चेंज हो गया। अगर अब मुझे इंटरफेस पर जाना है तो मेरे को यहाँ पर INT FastEthernet 0/1 पर अगर सपोज जाना है तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर मुझे फिर से ये चेंज हो गया। अभी इसी को अगर मुझे सब इंटरफेस पे जाना हो तो इसको मैं सब इंटरफेस भी बना सकता हूँ, आगे के वीडियोस में देखेंगे हम कैसे बनाते हैं सब इंटरफेस वगैरह। तो देखिए यहाँ पे मैं सब इंटरफेस पे भी मैं चला गया। तो इस तरीके से हम इंटरफेस पे जाके इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर फिर से वही लिखा है कि इंटरफेस सपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन, और क्या क्या होता है, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद में जैसे कि यहाँ पे देखिए एग्जांपल लिया है मैंने, जैसे कि इंटरफेस कॉन्फ़िगर करना हो तो सीरियल इंटरफेस, तो ये मेजर कमांड होती है,
ठीक है। उसके बाद में सब कमांड होती है, जैसे कि शट डाउन करना या सेकेंडरी कमांड जो लगाते हैं हम। लाइन कंसोल जीरो भाई ये मेजर कमांड हो गई, फिर पासवर्ड उस पर लगा रहे हैं सेकेंडरी कमांड, सब कमांड हो गई। राउटर आरआईपी ये मेजर कमांड है कि हम आरआईपी कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल। फिर वहाँ पे नेटवर्क कौन सा दे रहे हैं, सब कमांड है। इस तरीके से हमें चीज़ें पता होना चाहिए कैसे कमांड को यूज़ करते हैं। अब जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको भी हम सेव कर सकते हैं जो हमने कॉन्फ़िगर किया। तो यहाँ पे कॉपी रनिंग स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन की कमांड होती है, उसको अगर हम रन करेंगे यहाँ पे तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन सेव हो जाएगा। तो जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे मैं एग्जिट होता हूँ, फॉर एग्जांपल इसको मैं एक होस्ट नेम दे देता हूँ, ठीक है। होस्ट नेम आर करके मैंने दे दिया, सॉरी होस्ट नेम की कमांड ही रन नहीं करी मैंने, होस्ट नेम आर मेरा नाम दे के आर दे दिया। मेरे को इसको सेव करना है, तो यहाँ से हम एग्जिट करते हैं और यहाँ पे कॉपी रनिंग स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और इसको एंटर करेंगे तो ये पूछेगा यस। तो जस्ट आप यहाँ पे एंटर मारिए और ये ओके हो गया, या यहाँ पे आप डब्ल्यू आर भी लिखेंगे तो भी ये सेव हो जाएगा। अगर आपका राउटर रीस्टार्ट भी हुआ तो आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है ये एनवी रैम में जाके सेव हो गई है, ये एनवी रैम में जाके ये सेव होता है, ये चीज़ पता होना चाहिए। अब इसके बाद में आफ्टर यू एंटर द कमांड ये एनवी रैम में सेव होता है, ठीक है। और जब ये राउटर रीलोड होगा फिर एनवी रैम से ये जब पोस्ट की प्रक्रिया होती है, इसमें प्रोसेस होती है, तब जाके ये लोड होगा सेम कॉन्फ़िगरेशन। अब कॉन्फ़िगरिंग अ सिस्को राउटर फ्रॉम सीएलआई, सीएलआई से हम क्या क्या कर सकते हैं। तो इसमें देखिए राउटर का नाम चेंज कर सकते हैं, पासवर्ड लगा सकते हैं, कुछ कंसोल कमांड हम रन कर सकते हैं जैसा कि मैंने अभी दिखाया आपको, ठीक है। जैसे कि होस्ट नेम मैंने चेंज करके दिखाया, कंसोल लेके मैंने रखा हूँ उस राउटर का यहाँ पे कंसोल केबल से कनेक्ट करके। अब वैसे ही अगर हमको मैसेज ऑफ द डे जिसे MOTD बोलते हैं अगर वो लगाना हो तो वो भी लगा सकते हैं। जैसे कि उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए यहाँ पे फिर से आपको यहाँ पे जाना होगा, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन मोड पे चले जाएंगे हम, कॉन्फ़िगरेशन मोड पे चले जाएंगे, फिर यहाँ पे बैनर लिखेंगे, MOTD लिखेंगे, फिर उसके बाद में लगा के आप यहाँ पे जो लिखना हो आपको मैसेज यहाँ पे लिख सकते हैं। और इसको एंटर कीजिए और यहाँ से एग्ज़िट हुई है और यहाँ से भी एग्ज़िट हुई है। फिर इसके बाद में अगर हमको जब हमारा राउटर रिबूट होगा तो हमको जो मैसेज है हम वो यहाँ पर डिस्प्ले होगा। मैंने स्विच में भी कॉन्फ़िगर करके दिखाया था आपको कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, बड़ा ही सिंपल है ये। आपको जैसे बैनर MOTD लिख के दो हैश मार्क लगाना है यहाँ पे और आगे बढ़ना है। फिर कंसोल लाइन पे अगर हमें क्या करते हैं, जैसे कि ये कंसोल है, इसको कंसोल बोलते हैं, तो ये कितने देर के लिए एक्टिव रहेगा, कितने देर के बाद में लॉक होगा, वो टाइम आउट भी हम लगा सकते हैं। जैसे कंसोल लाइन कंसोल की कमांड रन करके यहाँ पे एग्जीक्यूशन टाइम आउट यहाँ ऐसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैं बताता हूँ, लाइन कंसोल जीरो की कमांड रन करेंगे हम यहाँ पे, इनेबल करेंगे और कॉन्फ़िग टर्मिनल मोड पर चले जाएंगे, लाइन कंसोल जीरो एंटर। अभी आप देखो नेक्स्ट कमांड क्या, अगर आपको नेक्स्ट कमांड पता नहीं है तो आप क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। यहाँ पे रहेगा एक्सेस क्लास अकाउंटिंग डेटाबेस डिफॉल्ट एग्जीक्यूशन टाइम आउट, तो हमको ये लिखना है कि एग्जीक्यूशन टाइम आउट क्या लेना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखिए एग्जीक्यूशन टाइम आउट। अब आप कितना चाह रहे हैं, अभी यहाँ पे भी नहीं पता था, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क लगाइए, तो यहाँ पे टाइम आउट लिखा रहा है कि आपको कितना देना। जैसे मैंने इस एग्जाम्पल पर कितना लिया है, 20-30, तो आप यहाँ पे 20-30 सेलेक्ट कर सकते हैं जो जो आपको देना हो यहाँ पे। तो इसको आप इनकम्प्लीट कमांड है, मैं इसको 25-30 कर दिया सपोज, तो इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। फिर यहाँ से एग्जिट करिए। इसके बाद में यहाँ पे आप यहाँ पे लॉगिन सिंक्रोनस भी लगा सकते हैं, तो ये कमांड है, बहुत सारे कमांड है, आगे भी और सीखेंगे हम। इसके बाद में आप देखिए इंटरफेस कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ राउटर इज टू फॉरवर्ड पैकेट फ्रॉम वन नेटवर्क डिवाइस टू अनदर नेटवर्क डिवाइस। तो मेन काम ही होता है राउटर का पैकेट को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे, एक राउटर से दूसरे राउटर पे भेजना। इसके लिए उसको क्या है, कुछ
इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड होता है, तभी उसको पता चलता है कि किस रूट से जाना है, किस रूट से नहीं जाना है करके। तो यहाँ पे देखिए बड़ा सिंपल सिंटेक्स है, आई होप कि एग्जांपल आप लोगों को फ़ायदेमंद होते होंगे। देखिए यहाँ पे अगर हम कॉन्फ़िगरेशन मोड पे चले गए, तब इंटरफेस कॉन्फ़िगर करना, तो हमें यहाँ पे इंटरफेस डिफाइन करना होता है। अब यहाँ पे एक टाइप देना होता है, कौन सा टाइप, सीरियल है कि फास्ट इंटरनेट है, और उसके बाद में नंबर। तो तीन चीज़ों का हमको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि अगर देखें सीरियल है या ईथरनेट है, टोकन रिंग है या FDDI है, HSSI है, लूप बैक है, डायलर है, नल है, कौन सा ये इंटरफेस है वो देना, फिर उस इंटरफेस का नाम देना यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे टाइप या स्लॉट या पोर्ट नंबर भी हमको लगाना पड़ता है कभी कभी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से एग्जिट करते हैं उस पोर्ट से। तो अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊँ, सपोज इसी पे अगर हम जाते हैं, अभी मैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे हूँ, अब इसके इंटरनेट पे चला गया, इंटरफेस पे चला गया INT करके, ठीक है, इंटरफेस का शॉर्टकट होता है वो। अब मेरे को फास्ट इंटरनेट पे जाना है, तो मैं फास्ट इंटरनेट 0, तो फास्ट इंटरनेट तो लिख दिया मैं। अब इसके बाद में कौन से पे जाना है, 00 पे जाना है या फिर 01 पे जाना है, वो हमने डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से एग्जिट निकल, अब सब कमांड यहाँ रन करनी हो तो इसको IP एड्रेस करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि मेरे को देना 192.168.0.1, इसका सबनेट मास्क ये दे दिया मैंने, ये हो गया। अब इसको हम नो शट डाउन के कमांड रन करेंगे तो ये अप हो जाएगा। ये अभी देखो ये चेंज्ड स्टेट टू अप हो गया ये पोर्ट। अब इसके बाद में हम यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। तो इस तरीके से पोर्ट को हम यहाँ पे इंटरफेस कॉन्फ़िगर करते हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल ऑफ इंटरफेस टाइप एंड नंबर आर, जैसा कि मैंने दिखाया वही यहाँ पे, अभी मैंने फास्ट इंटरनेट का दिखाया, ये सीरियल को भी हम ऐसे कॉन्फ़िगर करते हैं। और इसके बाद में बाहर निकलने के लिए इसको हम एग्जिट कमांड यूज़ करते हैं उस पोर्ट से बाहर निकलने के लिए। इसके बाद में डिस्क्रिप्शन लगाना, आप डिस्क्रिप्शन भी लगा सकते हैं, ऐसा डिस्क्रिप्शन लिख के वहाँ पे फिर कुछ दे सकते हैं कि ये कौन सा कनेक्शन है, कौन सा कनेक्शन नहीं है इसी के अंदर। जैसे कि अभी हम पोर्ट के अंदर जाएं, इस पोर्ट के अंदर, तो आप यहाँ पे देखिए डिस्क्रिमिनेशन, अगर डिस्क्रिप्शन नॉट डिस्क्रिमिनेशन सॉरी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। दिस इज लाइक, दिस इज राउटर वैन करके, ऐसा कुछ आप लिख सकते हैं वहाँ पे। और इसको एग्जिट करेंगे तो जब आपका राउटर रिमोट होगा तो आपको आसानी होती पहचानने के लिए पोर्ट कहाँ जाके कनेक्ट हुआ। तो यहाँ डिस्क्रिप्शन भी लगा सकते हैं, आप स्विच पे गया है या फिर बाहर राउटर पे गया है और किसी राउटर से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये याद करने में बड़ा आसानी रहता है। इसमें 238 तक हम कैरेक्टर लिख सकते हैं। जैसे कि अभी आप देखिए डिसेबलिंग और इनेबलिंग एन इंटरफेस, तो डिसेबल करने के लिए शटडाउन की कमांड रन करते हैं, और इनेबल करने के लिए जैसा कि मैंने अभी दिखाया था नो शटडाउन की कमांड रन करते हैं। अगर अभी हम शटडाउन की कमांड रन करेंगे इस इंटरफेस पे, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं शटडाउन की कमांड रन करता हूँ तो अभी ये पोर्ट शटडाउन हो जाएगा। देखिए अभी ये स्टेट चेंज हो जाएगी इसकी। तो यहाँ लिखा रहा है चेंज स्टेट टू एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन, ठीक है। तो इस तरीके से अभी फिर से इसको अप करना हो तो फिर से पोर्ट पे जाके मेरे को नो शट डाउन की कमांड रन करनी पड़ेगी यहाँ पे, तो ये अप हो जाएगा, अभी अप हो गया। तो इस तरीके से पता होना चाहिए आपको सारी चीज़ें। गाइस मैं बहुत ही बारीकी से आप लोगों को बताता हूँ, लेकिन मेरे वीडियोज़ उतने लोग देखते नहीं हैं, शेयर नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, तो मेरे को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। हम टाइम इतना स्पेंड करते हैं आप लोगों को चीज़ें सिखाने के लिए, आपसे रिक्वेस्ट होती है कि एक इसको लाइक ज़रूर करें और एक कमेंट करें और शेयर करने की कोशिश करें जहाँ तक भी आप शेयर कर सकें, व्हाट्सअप फेसबुक जो भी, उतनी सी हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं और कुछ नहीं। तो आगे बढ़ता हूँ गाइस, इसमें मैंने आपको बताया डिसेबल कैसे करना है, इनेबल कैसे करना है इंटरफेस को। अब यहाँ पे IP एड्रेस कैसे कॉन्फ़िगर करना, IP एड्रेस भी मैंने दिखाई दिया अभी आपको पिछले स्लाइड में। तो उसमें हर एक इंटरफेस को एक IP एड्रेस देना होता है, वो यूनिक IP एड्रेस होता है, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे भी एग्जांपल बताता हूँ आपको। यूनिक एड्रेसिंग अलाउ कम्युनिकेशन बिटवीन द स्टेशंस, तो जब तक हम IP एड्रेस नहीं रहेगा कम्युनिकेशन ही नहीं होगा। पाथ चॉइस इज बेस्ड ऑन द डेस्टिनेशन एड्रेस, तो अभी सोर्स से, सोर्स मतलब जो सेंडिंग डिवाइस होती है
उस डिवाइस से डेटा जो डेस्टिनेशन डिवाइस है वो किस रास्ते से जाएगा, वो आईपी एड्रेस भी उसको सेलेक्ट करने में बहुत हेल्प करता है। जैसे कि अगर आप इस सिनेरियो को देखेंगे यहाँ पे, तो आपको इसमें तीन नेटवर्क दिख रहे होंगे, एक है 10 का, एक है 172 का ये वाला, और एक है 192 का। और भी अलग है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे सब नेटिंग अलग है, यहाँ पे इधर भी 172 का है, 16 का है, इधर 172 17 का है, और इधर 18 का है। तो ये सब अलग अलग नेटवर्क है, अलग अलग सेगमेंट है ये, ठीक है। तो ये सब रिक्वायर्ड है, जो डायरेक्टली कनेक्टेड है वो एक नेटवर्क में रहते हैं, ये वाला भी एक नेटवर्क में रहेगा, ये वाला भी एक नेटवर्क में रहेगा, ये भी एक नेटवर्क में है, 18 का आप ऐसे देख पा रहे हैं। तो यूनिक एक साइड का एक नेटवर्क होता है। कैसे कॉन्फिगर करते हैं अभी देखेंगे हम आगे की वीडियोस में। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये स्टेप क्या होती है। सबसे पहले हमको, फिर बता रहा हूँ, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल मोड पर जाना पड़ता है, फिर इंटरफेस पर जाना पड़ता है, फिर यहाँ पे आईपी एड्रेस देना पड़ता है, आईपी एड्रेस दिया हुआ है, फिर उसमें नो शटडाउन की कमांड रन करनी पड़ती है, फिर एग्जिट करनी पड़ती है। तो ये प्रोसेस है, स्टेप है किसी इंटरफेस को कॉन्फ़िगर करने के लिए। आप ऐसा देख देख के भी चीज़ें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, पढ़ पढ़ के भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब देखना इसमें यह है कि हमने जो चीज़ें कॉन्फ़िगर करी है उस इंटरफेस पे, उसको कैसे वेरीफाई करना है। तो उसके लिए क्या होता है, सो इंटरफेस की कमांड होती है। सो इंटरफेस की कमांड अगर आप यहाँ पे देखे थे इस एग्जांपल में, इस तरीके की है। आप ऐसा क्लिक करेंगे तो आपको इंटरफेस की इंफॉर्मेशन आएगी। आप किसी एक इंटरफेस पे जाना चाहते हैं तो आपको उस इंटरफेस पे भी जा सकते हैं आप, और उस इंटरफेस की इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। इसमें बहुत सारा है, जैसे कि देखिए यहाँ पे आईपी एड्रेस क्या कॉन्फ़िगर किया है, ठीक है। पहली चीज़, ये लाइन प्रोटोकॉल अप है कि नहीं है, इंटरनेट अप है कि नहीं है, पोर्ट अप है कि नहीं है। यहाँ पे और दिखेगा आपको, बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी, लूपबैक सेट है कि नहीं है, और यहाँ पे ये डब्ल्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आगे वीडियो में बताऊंगा मैं। एमटीयू कितनी बाइट्स की है, इनकैप्सुलेशन इनेबल है कि नहीं इनेबल है, और सारी चीज़ें हैं। सीआरसी कितना है, इनपुट एरर कितना है, फ्रेम कितना है, ये ट्रबल शूटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। अब इसमें अगर आप देखें, मैं आपको यहाँ पे राउटर पे ही जाके दिखाता हूँ, इसके कंसोल पे चले जाएंगे हम। अभी यहाँ से मैं एग्ज़िट होता हूँ, और यहाँ से भी एग्ज़िट होता हूँ, और यहाँ पे सो इंटरफेस की कमांड रन करते हैं। तो देखिए वही सारी इन्फॉर्मेशन हमको आएगी। यहाँ पे आप देखें तो आईपी एड्रेस क्या कॉन्फ़िगर है वो दिख रहा होगा, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन क्या दिया था मैंने वो दिख रहा है, इनकैप्सुलेशन है, लूपबैक सेट नहीं है, उसके बाद में सीआरसी वगैरह वगैरह यहाँ पे सब दिख रहा होगा। तो इस तरीके से हमको इसमें और भी सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन नीचे। तो ये सब ट्रबल शूटिंग के लिए भी हमको काम आती है। इसके बाद में इंटरप्रेटिंग द इंटरफेस स्टेटस, वही चीज़ मैं बोल रहा था कि अब ये तो हमने एक सो स्टेट कौन सा कमांड रन किए थे, सो इंटरफेस, ठीक है। अब इसमें अगर आप एक ही इंटरफेस पर जाना चाहें फास्ट इंटरनेट 00 पे, तो उसको भी आप ऐसे जा सकते हैं, तो स्पेसिफिक उसी इंटरफेस की इन्फॉर्मेशन आएगी यहाँ पे, ठीक है, एक की। अगर आप सो इंटरफेस रन करेंगे तो इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी, तो जितने इंटरफेस कॉन्फिगर हैं उन सब की इन्फॉर्मेशन आएगी। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि क्या है क्या नहीं करके, प्रोटोकॉल है सब। और ऑपरेशनल है कि नहीं है, कनेक्शन प्रॉब्लम क्या है क्या नहीं, इंटरफेस प्रॉब्लम डिसेबल्ड, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करने के लिए भी, ये मतलब ट्रबल शूटिंग के लिए भी ये सारी इंफॉर्मेशन काम आती है। इसके बाद में वेरीफाइंग है सीरियल इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन। अगर हमको सीरियल इंटरफेस हमने कॉन्फ़िगर किया है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन चेक करना है, तो फिर हमको सो इंटरफेस यहाँ पे सीरियल दे देंगे, तो सीरियल पे चले जाएंगे। यहाँ पे ये मैं बोल रहा था, ये WB64 के बिट क्या होता है, ये अभी आपको यहाँ पे दिखेगा, ये बैंड बिट होती है बेसिकली, ठीक है। अगर आपने इसको कॉन्फ़िगर किया है फिर ये कमांड रन कर रहे हैं, तो उसको ये क्या कहते हैं, कमांड तो ये रहेगी, बस पोर्ट नंबर और पोर्ट का नाम चेंज करना होगा। बस एग्जांपल में अगर आप देखें तो ये अप है, और जो इसकी बैंडविड्थ है, ये बैंडविड्थ है WB, ओके, ये 64 किलोबाइट पर सेकंड की है। और भी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको फिर से मिलेंगी, यहाँ पे देख सकते हैं आप।
ठीक है, लास्ट इनपुट आउटपुट, कीप अलाइव 10 सेकेंड, हार्डवेयर एड्रेस वगैरह वगैरह। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का गाइस, इस वीडियो में इतनी ही इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर किया मैंने। आई होप कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा, और आपको अगर कोई इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आपको पता है आपको क्या करना है, लाइक शेयर और कमेंट तो ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम देखेंगे आगे का जो पार्ट है, लेयर टू कैसे एड्रेसिंग क्या होती है, लेयर थ्री कैसी होती है, फिर होस्ट टू होस्ट पैकेट डिलीवरी, यहाँ पर राउटर का क्या रोल होता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डेटा डिलीवर करने में, उसको सीखेंगे। कुछ आईपी एआरपी की कमांड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस डेटा डिलीवरी में। और द यूज़ ऑफ कॉमन सिस्को टूल्स, जो क्या क्या टूल्स हैं कनेक्टिविटी चेक करने के लिए, वो हम अगले वीडियो में सीखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।